गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में अपने बजट्स के ऑब्जेक्टिव तक का पॉइंट बड़ा कंप्लीट कर लिया था कि बजट के बनाने की क्या उद्देश्य है, क्यों बजट बनाया जाता है। आज अपन इसका नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ बजट, यानी बजट की सीमाएं या डीमेरिट्स भी बोल सकते हो आप, कि बजट की कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ दोष भी हैं इसके अंदर। वो दोष के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी इसकी जो डीमेरिट्स है या लिमिटेशन है। इसके अंदर जो अपना पहला दे रखा है वो दे रखा है डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी यह केवल सूचनाओं पर ही आधारित है। मतलब जब बजट बनाया जाता है तो बजट बनाने के लिए आपको बताया था कि जो इसके अंदर मैनेजरियल जो इसके अंदर डिपार्टमेंट है, जो नॉर्मली टॉप लेवल के अंदर जो मैनेजमेंट है उसी का ही नॉर्मली बजट बनाने का काम होता है, बजट उसी के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन बजट बनाते समय प्रत्येक डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा प्राप्त की जाती है और उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही उनके द्वारा बजट बनाया जाता है, बल्कि वास्तविकता को हो सकता है कि उससे अलग हो। तो ये ओनली इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड्स है। यदि वो इन्फॉर्मेशन सही है तो अपना बजट सही होगा, यदि वो इन्फॉर्मेशन यदि गलत दे दी गई है, गलत इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी बजट बन जाता है और वो जो ऑब्जेक्टिव अपने उसके अंदर डिसाइड किए हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। ओनली इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट होता है, यानी जो एक्चुअल कंडीशन है वो उस इन्फॉर्मेशन से अलग भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट बड़ा इसका डिमेरिट्स का है कि इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, यानी उसी के ऊपर आधारित होता है। सेकेंड है इसके अंदर फियर ऑफ पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब बड़ा कि व्यक्तिगत पक्षपात का भय रहता है इसके अंदर, है ना। व्यक्तिगत पक्षपात का मतलब जब बजट बनाते समय सीधी सी बात है कि जो इसके अंदर बजट जिस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, यानी मैनेजरियल जो पर्सन होते हैं वो बजट बनाते हैं, तो उसके अंदर किसी डिपार्टमेंट से उनका विशेष लगाव हो सकता है। पर्सनल बायस का इसके अंदर भय रहता है, यानी उसको फंड ज़्यादा लोड कर दिया जाए या उनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन बातों को इग्नोर करके या उन डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट को इग्नोर करके उनकी जो अगर कम इम्पोर्टेंट भी अगर कोई मान लीजिए कोई कंडीशन या कोई अपना प्रोजेक्ट उन्होंने दे रखा है वो उसके अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसलिए उसके अंदर जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा अपन उसके अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्सनल बायस का भय रहता है क्योंकि बजट है, बजट उसी संस्था के व्यक्तियों द्वारा यानी इम्प्लॉयज के द्वारा बनाया जाता है। जब बजट बनाते समय उसके अंदर यदि किसी डिपार्टमेंट का किसी डिपार्टमेंट से उन मैनेजरियल पर्सन का अगर विशेष लगाव है तो उसके अंदर पर्सनल बायस का भय रहता है इसके अंदर, या तो उनको फंड ज़्यादा लोड कर दिए जाते हैं या इम्पोर्टेंट बातों को इग्नोर करके बड़ा अगर कोई नॉर्मल जैसे कहते हैं ना कि कम इम्पोर्टेंट अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको प्रीफर कर लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये इसके अंदर भी एक इसके डीमेरिट्स अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर बजट इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। जो बजट है बेटा वो ओनली इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा अपन जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं। यह साध्य नहीं है बल्कि एक साधन है। मतलब दो प्रकार से होते हैं बेटा कि बजट के द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रोसेस अपन निर्धारित करते हैं, एक प्रक्रिया अपन उसके अंदर तय करते हैं जिसके द्वारा संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, यानी बिजनेस के जो भी उद्देश्य उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। न कि ये साध्य, साध्य का मतलब इसको प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि अपने जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए बजट उसके अंदर एक मीन का काम करता है, एक साधन का काम करता है। तो इसके अंदर बड़ा जो बजट है अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना ओनली बिजनेस फोरकास्ट, यानी जो बजट है बेटा वो फ्यूचर के अंदर होने वाली जितनी भी इवेंट्स है, जो भी उसके अंदर कार्य है, यानी प्रॉफिट से रिलेटेड अपन फोरकास्ट करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड फोरकास्ट करते हैं, है ना, इनकम से रिलेटेड फोरकास्ट करते हैं, सेल से रिलेटेड फोरकास्ट करते हैं, ये बड़ा सब अपन क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। हो सकता है कि वो अनुमान के अकॉर्डिंग अपना कार्य हो और न हो, ये जरूरी नहीं है कि अपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उस उद्देश्यों के आधार पर या जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसके अंदर एक खाली एक पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क के अंदर जो उद्देश्य है या जो भविष्य के अंदर अपने को उत्पादन हो सकता है या सेल्स हो सकती है या प्रॉफिट हो सकता है उसका एक परफॉर्मा होता है, बाकी इसके अंदर एक्चुअल स्थिति इसके पास भी हो सकती है, इससे दूर भी हो सकती है और एकदम इससे
अलग भी हो सकती है, तो इसलिए इसको एक विजन और फोरकास्ट बताया है, बाकी कुछ भी नहीं होता ये। नेक्स्ट इसके अंदर है क्रिएट हर्डल्स। इसके अंदर बेटा जो बजट है वो कई प्रकार की डिफिकल्टीज भी क्रिएट करता है, यानी जब बजट बनाते समय इसके अंदर जो समाधान है उनके ऊपर कम ध्यान किया जाता है। एक बेटा मैकेनिज्म हो जाता है, एक मशीनीकरण हो जाता है, जो उद्देश्य बजट के अंदर दिए गए हैं, जो कार्य बजट के अंदर दिए गए उन्हीं कार्य के लिए क्या किया जाता है, उस संस्था का कार्य संचालन किया जाता है या उसका ऑपरेशन किया जाता है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी बाधाएं हैं, उन बाधाओं के ऊपर उसका कोई विचार नहीं किया जाता है, बल्कि उसके समाधान के बारे में उसमें कुछ भी नहीं बताया जाता बजट के अंदर। तो इस प्रकार से कई बार बजट है वो बाधाओं को क्रिएट करता है, बाधाओं को जन्म भी देता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर लैक ऑफ फ्रीडम। लैक ऑफ फ्रीडम के अंदर बेटा अपन ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी से या अपनी टेक्निक से कोई भी काम को नहीं कर सकता, बल्कि उसको तो उस कार्य को उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से उसका जो उद्देश्य है वो बजट के अंदर निर्धारित किया गया है। मतलब उसकी जो पर्सनल जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसका एफिशिएंसी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके ऊपर जो उद्देश्य उस बजट के अंदर निर्धारित करके दे रखे हैं, जो बजट के अंदर उसके उद्देश्य दे रखे हैं उसी के आधार पर उसको प्राप्त किया जाता है, बल्कि वो अपने पर्सनल जो एफर्ट्स है वो उसके अंदर उसको कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर जो फ्रीडम है उसका अभाव होता है। एक प्रकार से जो उद्देश्य दे रखे हैं उन उद्देश्य के ऊपर ही उसको चलना पड़ता है, बल्कि अपना जो पर्सनल जो इसके अंदर एफर्ट्स है वो उसके अंदर कुछ भी काम नहीं करते, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर इफेक्ट बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी जब बजट अपन बनाते हैं तो इसके अंदर बड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज है, हो सकता है कि आज उस बिजनेस से रिलेटेड जिसका अपने बजट बनाया है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है बड़ा, वो एक प्रकार से लिबरल पॉलिसी है, यानी उदार नीति है गवर्नमेंट ने उस बिजनेस से रिलेटेड लगा रखी है। और मान लीजिए बजट जब इसके अंदर बड़ा है ना जब परफॉर्म हुआ, यानी जब उसकी एक्चुअल कंडीशन जब परफॉर्म होगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या कर दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट ने उस बिजनेस पर या उस टाइप के बिजनेस पर ऊपर काफ़ी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पाबंदियां लगा दी, तो उस कंडीशन के अंदर जो बजट के अंदर उद्देश्य निर्धारित है उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो बड़ा टाइमली बदलती रहती है। अगर उसके अंदर अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इसके अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है, देखा नहीं जाता है, ये भी एक बजट की डीमेरिट्स है। यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर बजट की डीमेरिट्स पूछी जाए तो आप इन डीमेरिट्स के बारे में बता सकते हो कि कौन कौन सी इसके अंदर बाधाएं होती है। तो पहला बेटा इसके अंदर जैसे अपन ने बताया कि इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड होता है, सेकंड इसके अंदर पर्सनल जो इसके अंदर बाइस रहना वो इसके अंदर उसका एक भय रहता है, फियर ऑफ पर्सनल बाइस। बजट इज ओनली इंस्ट्रूमेंट बेटा, एक संसाधन है जिसके द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं, एक टेक्निक है, एक बड़ा इसके अंदर स्टेरियोटाइप है जिसके द्वारा अपन उसको चलाते रहते हैं, बाकी अपने आप में उसके अंदर पर्सनल जो इसके अंदर जो एबिलिटी है उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ये टेक्निक के रूप में काम करता है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है। ओनली बिजनेस फोरकास्ट है, एक पूर्वानुमान है, हो सकता है कि एक्चुअल कंडीशन उससे अलग भी हो सकती है और उससे नियर अबाउट भी हो सकती है, ये अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर है क्रिएट हर्डल्स, यानी हर्डल्स का मतलब बड़ा कि इसके अंदर बाधाएं हैं ना, कि इसके अंदर किसी प्रकार का गाइडेंस करने की बजाय उसके अंदर जो बाधाएं हैं वो उसके अंदर उत्पन्न करता है बजट के अंदर, यानी उसमें गाइडेंस नहीं होता है। कई बार जैसे बड़ा बजट बनाते समय कुछ तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव उसको अपने को चेंज करना पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो एक प्रकार से बाधा के रूप में करता है, यानी कि उस कंडीशन में यदि कोई बाधा आ गई है ना, तो उसको अपन कैसे उसके अंदर सोल्व करें, उस प्रॉब्लम को कैसे उसके अंदर है ना उसका समाधान करें, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर लैक ऑफ फ्रीडम, यानी उसकी पर्सनल जो एफर्ट्स वगैरह है उसमें कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि उसके अंदर तो जो बजट के अंदर दिए गए उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ता है, इफेक्ट बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा भी उसका प्रभाव पड़ता है, यानी उसका इफेक्ट होता है, यदि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है तो वो बजट के जो उद्देश्य अपन निर्धारित कर रखे हैं उनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते बेटा, ये अपन इसके अंदर बता सकते हैं अपने बजट की लिमिटेशन के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है बेटा बजट से बजटिंग, अपन ने दो स्टार्ट किए थे, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इसके अंदर बजटिंग। ठीक है, बजटिंग का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं बजटिंग, वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजटिंग। बजटिंग क्या है इसके अंदर,
बजटिंग का मतलब होता है कि जब बिजनेस के लिए अपन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, यानी भविष्य के लिए जिन योजनाओं को फॉर्मुलेशन करते हैं यानी फॉर्मुलेट करते हैं उसको, तो ये बड़ा कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार से ये जटिल प्रक्रिया है जिसको अपन क्या करते हैं बजट के अंदर बनाने के अंदर उपयोग करते हैं। यानी जो बजटिंग है वो एक प्रकार से मैनेजरियल प्रोसेस है। मैनेजरियल प्रोसेस के अंदर जो फ्यूचर के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जो बजट बनाया जाएगा, उस बजट को कैसे बनाया जाएगा वो टेक्निक है, वो क्या कहलाती है अपनी बजटिंग कहलाती है। ठीक है, तो बजटिंग के अंदर बड़ा जो बजट है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको इवेल्युएट किया जाता है। मतलब जो बजट अपने बिजनेस के लिए बनाया है यानी फ्यूचर के लिए जो बजट बनाया है, उस बजट को अपन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार का बजट बनेगा, उसको बनाने का, उसको बड़ा लागू करने का और उसका मूल्यांकन करने की जो तकनीक है वो अपनी के बजटिंग है, यानी बजटन कहलाती है, बजटिंग कहलाती है इसके अंदर। तो एक प्रकार से बड़ा ये प्रबंधकीय प्रक्रिया है। प्रबंधकीय प्रक्रिया इसलिए कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के लिए जो भी बजट बनाया जाता है वो बजट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, मैनेजरियल पर्सनल द्वारा बनाया जाता है, यानी प्रबंधकीय जो डिपार्टमेंट है या प्रबंधकीय जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो बजट है वो बनाया जाता है। और बजट जब बनाया जाता है तो उस बजट को बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, बड़ा बजटिंग कहलाती है, बजटन कहलाती है। और जब बजटन कहलाती है तो एक प्रकार से ये मैनेजरियल प्रोसेस है और एक टेक्निक्स के रूप में इसको बता सकते हैं, जिसके द्वारा बजट के अंदर आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ डिफिकल्टीज वगैरह उनको पहले से एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस करके जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आती है उसको दूर किया जाता है और इस प्रकार से एक बजट तैयार किया जा सकता है जाता है, जिसके द्वारा अपन बिजनेस के जो उद्देश्य है फ्यूचर प्लानिंग है उसको प्राप्त कर सके। तो अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में देखें तो बजटिंग क्या है, बजटिंग एक सिंपल सी प्रोसेस है किसके लिए, फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यानी बजट के लिए, बजट को फॉर्मुलेट करने की यानी बनाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की और उसके बाद में उसको इवेल्युएट करने की, यानी हमने जो बजट बनाया वो अकॉर्डिंग टू अपने फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ही लागू हुआ या उससे एक्चुअल कंडीशन है वो एडवर्स है, वो सब बड़ा इसके अंदर इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन बजटिंग के अंदर किया जाता है। तो एक प्रकार से ये प्रबंधकीय प्रक्रिया है, इसको बड़ा अपन अलग अलग जो डेफिनेशंस वगैरह है उसके द्वारा अपन और इसमें बता सकते हैं। जैसे डेफिनेशन के अंदर अपन लिखते हैं, इसके अंदर बजटिंग के डेफिनेशन के अंदर दे रखा बड़ा विलियम दे वर्टर की डेफिनेशन है, जिसने बताया अपने डेफिनेशन के अंदर कि बजटिंग इज ए काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी जो बजटिंग है वो फ्यूचर टेंस की तरह भविष्य के अंदर जो अपन कोई भी कार्य करेंगे उसके लिए, यानी उसका अपन वर्तमान के अंदर उसको देखते हैं कि भविष्य में कैसा होगा, तो इसको बताया है कि एक फ्यूचर टेंस की तरह अकाउंटिंग इन विच द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर आर मेड ऑन पेपर बिफोर द ट्रांजेक्शन एक्चुअली अकर्स, यानी जो ट्रांजेक्शन है भविष्य के अंदर जो लेन देन होंगे या भविष्य के अंदर जिन कार्यों को अपन परफॉर्म करेंगे उसका पेपर वर्क है वो पहले से कर लिया जाता है, वर्तमान में कर लिया जाता है, प्रेजेंट टाइम के अंदर कर लिया जाता है, यानी भविष्य के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं उनको अपन पेपर के ऊपर बेटा पहले से एक परफॉर्म कर लेते हैं, पहले पेपर के ऊपर पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं, जो कार्य भविष्य के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे, तो इसलिए इसको एक फ्यूचर टेंस के लिए के रूप में लिए इसने। इसके अलावा बेटा अपन ये बता सकते हैं कि जैसे बजटर एक प्रकार का क्या ये भावी लेखांकन है, फ्यूचर अकाउंटिंग है, जिसमें भविष्य के अंदर यानी फ्यूचर प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड जो भी उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है उनको अपन पहले से क्या कर लेते हैं बेटा पेपर के ऊपर रख लेते हैं, पेपर के ऊपर तैयार कर लेते हैं और उसी के आधार पर उस कार्य को अपन क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद में जो कार्य अपन ने किया है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको अपन देखते हैं कि वो कार्य अकॉर्डिंग टू अपना जो फोरकास्ट है या अपना अनुमान है या अपना जो एस्टिमेशन है उसके आधार पर हुआ या नहीं हुआ, ये सब इसके अंदर निर्धारित किया जाता है। ये अपना बड़ा बजटिंग की डेफिनेशन और उसके मीनिंग के अंदर अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग, यानी जो बजटिंग है उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ होती है, कौन किन की विशेषताओं के ऊपर आधारित है, तो इसके अंदर नेक्स्ट अपना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग, वो देखिए अपना
इसके बड़ा करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पहला पॉइंट अपना मैनेजरियल प्रोसेस यानी प्रबंधकीय प्रक्रिया। बजटिंग बजट किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा? मैनेजरियल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, मैनेजरियल पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए एक मैनेजरियल प्रोसेस है यानी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो पूरे वर्ष निरंतर रूप से चलती रहती है। बजट बनाने का जो कार्य है वो एक प्रकार से कॉन्टिन्यूस रूप से किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर चलने वाला कार्य है। और ये जो कार्य है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है? मैनेजरियल पर्सन के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको एक मैनेजरियल प्रोसेस माना गया है। उसके बाद देखते हैं डेफिनेट पीरियड ऑफ फ्यूचर, यानी जो बजटिंग है या बजट है वो किससे रिलेटेड होता है बेटा? फ्यूचर से रिलेटेड होता है। फ्यूचर के अंदर जो कार्य किया जाने वाला है उसका निर्धारण अपन वर्तमान के अंदर करते हैं, प्रेजेंट के अंदर करते हैं। तो इसलिए एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो फ्यूचर के अंदर परफॉर्म होगा उसके लिए बनाया जाता है। ये मैंने बताया भी था बेटा, ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली और ईयरली किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो फ्यूचर के लिए होता है। बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जेक्टिव बेटा, ये जो बजटिंग है वो भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के ऊपर आधारित होता है। यानी जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य हमको भविष्य में प्राप्त करने हैं, जो टारगेट हमको भविष्य में अचीव करना है, वो अपन निर्धारित करते हैं किसके द्वारा? बजट के द्वारा, बजटिंग के द्वारा। यानी बजट की प्रोसेस है वो बजटिंग के द्वारा कंप्लीट होती है। इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, यानी उसका जो आधार है वो फ्यूचर के अंदर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है यूज फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग, यानी भविष्य के अनुमान के रूप में निर्धारित किया जाता है कि भविष्य के अंदर हम इतना टारगेट यानी इतना सेल्स है, इतना प्रोडक्शन है, उसको प्राप्त कर लेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए हमको किस प्रकार से अपनी ऑपरेशंस है या गतिविधि है उनको निर्धारित करनी पड़ेगी, और उसके द्वारा अपन अपने जो भविष्य के अंदर जो अपने उद्देश्य निर्धारित किया है, जो पूर्वानुमान लगाया है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको ये बताया कि फ्यूचर के लिए फोरकास्ट है। बजटिंग इज ए स्टैंडर्ड वर्ड, यानी जो बजटिंग है उसको एक स्टैंडर्ड माना गया है जिसको अपन एक्चुअल जो इसके अंदर कंडीशन उसको कंपेयर करते हैं। यानी बजट के अंदर जो स्टैंडर्ड जो प्रमाप निर्धारित किया है उस प्रमाप के अकॉर्डिंग हमने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं किया, इसको एक्चुअल से क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। उसके बाद में देखा जाता है कि हम एक्चुअल से कितना पास और कितने दूर है, यानी अपने एक्चुअल उद्देश्य को प्राप्त किया है या उसके अंदर कुछ वेरियंसेज है, वो इसके द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है बजटिंग इज ए टेक्निक्स, है ना, बजटिंग है टेक्निक्स। बजट किसके द्वारा बनाया जाता है? बजटिंग के द्वारा। बजटिंग यानी बजट बनाने की प्रक्रिया को बजट बनाने की प्रक्रिया को बजटिंग कहा जाता है। बजटिंग बड़ा एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर बजट को फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए बजट की जो प्रोसेसिंग है, यानी जब तक बजट बना और उसके बाद जब तक परफॉर्म नहीं हुआ, उस सारी प्रोसेस को बजटिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका मापन करते हैं। लास्ट वर्ड है इसके अंदर बजटिंग इज ए मीन, बजटिंग एक साधन है बड़ा जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं? बजट के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। यानी एक बजट है वो बजटिंग का वो मीन एक साधन के रूप में होता है, न कि एक साध्य के रूप में होता है, एक एंड के रूप में नहीं होता जिसको अपने को प्राप्त करना है, बल्कि जो अपने ऑब्जेक्ट निर्धारित किए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब इसके अंदर बजटिंग के अंदर बताया जाता है बेटा। तो ये अपने बजटिंग की डेफिनेशन या मीनिंग और उसके बाद में अपने बेटा इसके फीचर्स यानी करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट है वो कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे अपन, ठीक है।